आज हम देखेंगे रोलिंग इन रोलिंग आउट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। इस काम में आपको अपनी आँख, कान, नाक तीनों खोलकर रखनी है और मन में आ रहे अन्य विचारों का त्याग करना है। आँख से आप चीज़ों को देख सकते हैं, नाक से स्मेल कर सकते हैं, कान से आ रही आवाज़ों को सुन सकते हैं। अन्य विचारों को दूर रखने से आप चीज़ों को सही से समझ सकते हैं। रोलिंग के समय किन हिस्सों पर बारीकी से नज़र रखनी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें उन पे ध्यान देना है, जैसे कि हैंगिंग पार्ट, फिर व्हील एंड डिस्क ब्रेक असेंबली, कंट्रोल आर्म, प्राइमरी स्प्रिंग असेंबली, सेकेंडरी स्प्रिंग, सेकेंडरी डंपर या डंपर और एक्सल बॉक्स से कवर्स, कभी वाटर टैंक में लगे रोप्स भी टूट जाते हैं तो उन पर भी ध्यान देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेक इंडिकेटर, इससे ब्रेक बाइंडिंग का अंदाज़ा लगता है। इसके अलावा ट्रेन से निकलता हुआ धुआं, जैसे धुआं दिखे या फिर धुएं की गंध आए या फिर कोई अनयूजुअल आवाज़ हो जो नॉर्मल ट्रेन से ना आती हो। ट्रेन के आसपास उड़ती चिंगारियां या फिर ट्रेन नीचे आग जैसा कुछ दिखे उस पर भी ध्यान रखना है। रोलिंग के समय ज़्यादा दूर ना बैठें, दूर बैठने से एक्सल अगर ओवर हीटेड हो, हॉट एक्सल हो, तो उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। एक्सल बॉक्स कवर और उसमें लगे अर्थिंग के वायर्स कभी कभी टूट के नीचे गिर जाते हैं जिससे चिंगारी उड़ती रहती है।